चलते हैं आप लोग, ठीक है। यज्ञ भगवान को आप भोग लगा देना, भाव भाव यज्ञ करना, दीप यज्ञ भाव यज्ञ किए थे ना, उसी तरह से भाव यज्ञ आहुति खीर यज्ञ भगवान को समर्पित कर रहे हैं। इस भाव से आप ले लो, यज्ञ भगवान का ध्यान करो, मंत्र हम बोल बोल मंत्र यहाँ से बोलो, यज्ञ भगवान की ओम। धाता दधातु दाशुषे प्राचीन जीवातु मक्षितम् वयम् देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा इदं धात्रे इदं नमः। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज के इस ब्लॉग में आप लोग को दिखाने वाले हैं ये दीनाबद्री। दोस्तों फुलबारी हाल ही में दो फुलबारी में दीनाबद्री का प्रोग्राम हुआ था, उन्हीं का कलश यात्रा का वीडियो आप लोग को इस ब्लॉग में दिखाने वाला है। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। दोस्तों अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए ले चलते हैं आप लोग को दीनाबद्री में जो कलश यात्रा हुआ था, कलश यात्रा जल उठाने के लिए जो आया था हमारे यहाँ कनकई नदी में जो आया था, उन्हीं का वीडियो आप लोग को इस ब्लॉग में आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो चलिए प्रचोदयात् ॐ पायः पृथिव्यं पायः औषधेषु पयोधिकन्दरिक्षेपयोधाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ। अब आपका प्रसाद तैयार हो गया, अब इसके बाद उस शरीर को सुरक्षित रख, आंचल से ढक ले और हमारी माता की जय। अब इन्हें आशीर्वाद दे, अब इन्हें आशीर्वाद दे। जो माताएं खड़ी हैं गायत्री प्रहर कार्यकर्ता, थोड़ा अच्छा फूल लेकर के सभी गर्भिणी बहनों को आशीर्वाद दें, बहने हाथ जोड़ लें। गुरुदेव माता जी की ओर से आप सभी को आशीर्वाद है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। ओम स्वस्तिनांद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्वेदा स्वस्तिनस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। अब ये जो खीर है इसको किसी को देना नहीं है, आप सबको प्रसाद के रूप में खाना है। अभी जब यज्ञशाला से बाहर निकलेंगे तो इन प्रसाद को आपको ही खाना है और किसी को इसमें से प्रसाद नहीं देना, आपको ही खाना है। ढक के रख लीजिए, अभी थोड़ी देर बाद आप जब बाहर जाएंगे तब इसको बैठ करके खा लीजिएगा प्रसाद के रूप में, ठीक। अब आप जा सकते हैं, ये संस्कार संपन्न हुआ। कोई अभी उठेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, अभी 10 मिनट रुकिए, अभी विदाई की वेला चल रही है, ठीक है ना। जिनका संस्कार हो चुका है आप जहां बैठे थे वहां पे जाके बैठ जाइए। जिनका अभी संस्कार हो गया है वहां हवन कुंड के पास में जाके बैठ जाइए, जो खड़ी है जहां बैठे थे। अब शीघ्रता पूर्वक जरूरत नहीं है, कार्यकर्ता भाई बैठा दीजिए। क्या हुआ, बोले गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की। देखिए एक बच्चा गुम हो गया है, बहन जी बहुत परेशान हो रही हैं, किसी को कोई अकेला बच्चा मिले, देखो कहीं मिल गया है बच्चा, बहन जी बच्चा मिल गया, हाँ जाइए बच्चा मिल गया है। भीड़ में अपने बच्चों को अपने साथ रखना चाहिए, आप बच्चों को इधर उधर छोड़ेंगे तो बच्चे भीड़ में गुम हो जाएंगे। बच्चे बच्चे हैं, खिलौना देखा इधर उधर देखा, दुकानें लगी हैं इधर उधर चले जाते हैं इसलिए गुम हो जाते हैं। तो जो भी बच्चे हैं उनको साथ में रखें, माता पिता सभी लोग बैठ जाए। ये बहने आप लोग जा सकते हैं यज्ञशाला में, कहीं बैठ जाए, देवताओं की विदाई का क्रम है। बोले गायत्री माता की, सब लोग बैठ, कोई खड़े ना रहे। ये बहने भी अब पीछे साइड यज्ञशाला में जाके बैठ जाए, बाद में प्रसाद को ग्रहण कर लेंगे, बैठ जाए।
दस मिनट का कार्यक्रम और है, सभी लोग बैठो। वरिष्ठ नेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर् दधातु। अब ये जो खीर है इसको किसी को देना नहीं है, आप सबको प्रसाद के रूप में खाना है। अभी जब यज्ञशाला से बाहर निकलेंगे तो इन प्रसाद को आपको ही खाना है, और किसी को इसमें से प्रसाद नहीं देना, आपको ही खाना है। ढक के रख लीजिए, अभी थोड़ी देर बाद आप जब बाहर जाएंगे तब इसको बैठ करके खा लीजिएगा प्रसाद के रूप में, ठीक। अब आप जा सकते हैं, ये संस्कार संपन्न हुआ। कोई अभी उठेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, अभी 10 मिनट रुकिए, अभी विदाई की वेला चल रही है, ठीक है ना। जिनका संस्कार हो चुका है आप जहां बैठे थे वहां पे जाके बैठ जाइए। जिनका अभी संस्कार हो गया है वहां हवन कुंड के पास में जाके बैठ जाइए, जो खड़ी है जहां बैठे थे। अब शीघ्रता पूर्वक, जरूरत नहीं है, कार्यकर्ता भाई किया गया, कितने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया गया, यहाँ का पूरा वातावरण ऊर्जा से भर गया। जहां पर यज्ञ होता है वहां प्राण ऊर्जा भर जाती है, रोगाणु कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है वातावरण में। ऐसा पवित्र वातावरण कितना अच्छा लग रहा है। 4 दिन पहले जब ये खाली खेत पड़ा था, धान की फसल कटी होगी, खाली खेत पड़ा था, कैसा लग रहा होगा। लेकिन हमारे भाई बहनों ने मिलकर के इस खेत की सफाई की, बहनों ने यज्ञशाला की पुताई की, शानदार बनाया इसको, टेंट लगा, सजावट हुई, और जब यज्ञ शुरू होने लगा प्रतिदिन कितना अच्छा लगने लगा, कितना अच्छा लग रहा है। और आज ऐसा लग रहा है कि ये कार्यक्रम ऐसा ही चलता रहे, बंद ही ना हो, ना किसी के मन में कोई द्वेष है, ना घृणा है, कोई पाप है। सुबह उठ करके कहां जाना है, यज्ञ में जाना है, कोई दूसरी कामना है नहीं, दौड़ करके आए। सुबह कार्यकर्ता आके लग जाते हैं 6 बजे 5 बजे त्रिखंड में तैयारी करने लगते हैं, 8:30 बजे से यज्ञ शुरू हो जाता है, 2 बज गए यज्ञ करते करते, भोजन प्रसाद लिया और फिर शाम की तैयारी में लग गए कि शाम को 5 बजे से फिर कार्यक्रम है, 4:30 बजे से फिर कार्यक्रम है। दिन भर ऐसे बीत गया शानदार तरीके से, मन में कोई न द्वेष है, न किसी घृणा है। सुबह यज्ञ किए, संध्या काल में संगीत प्रवचन सुने, और 4 दिन पता नहीं चला कैसे बीत गया। कलश यात्रा के साथ शुरुआत हुई और 4 दिन निकल गए, पता चला क्या। हम लोग भी अभी हम लोग यहाँ 4 दिन पहले आए हैं, इस वाले रोड से ऐसे ये बहादुरगंज से आए, अपनी गाड़ी यहाँ प्रवेश किया, यही जैसे हम आए कलश यात्रा निकल चुकी थी, वीणा बहन जी मिली और हम लोगों को लेकर के, पीछे ही मकान है राधा बहन जी का, दिनेश शर्मा जी का, उनके घर में हमारा आवास है, ठीक इसके पीछे मंच के, वहां लेकर गए। 4 दिन हो गए, इधर कोई चौक है क्या, वो मस्तान, वो मस्तान चौक कैसा है देख नहीं पाए, ऊर्जा पहुंचे तब आपका यज्ञ का लक्ष्य पूरा होगा। हर गांव में प्रज्ञा मंडल, हर गांव में महिला मंडल, यहां देखा हमारी बहनों की कितनी सुंदर टीम है, ऐसी टीम हर गांव में तो बहने हैं, ऐसी हर गांव में टीम बनकर तैयार होना चाहिए, हर गांव में महिला मंडल बने, और साप्ताहिक बैठक हो,